इसकी सबसे बेस्ट चीज क्या है पता है? इसकी मुंडी। उप्स, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक है दोस्तों। इसको बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्टर। और इस इंटरेस्टिंग से प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो में आज आपको सब कुछ पता चलने वाला है। और बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हैं कि इसकी लिंक कहां पर है, तो पहले ही बता देता हूं कि इसकी बेस्ट सेलिंग ओरिजिनल प्रोडक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, गैजेट मसाला को सब्सक्राइब कर दीजिए, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स के एक साइड में इसके फीचर्स लिखे हैं कुछ, और नीचे जो है मार्क्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो मार्क्स होते हैं क्वालिटी वाले, और या दूसरी साइड में स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखा है। काफ़ी सिंपल सा बॉक्स है, वाइट कलर का, एकदम क्यूट लग रहा है। और अंदर आपको एक केबल मिल जाएगी, राउंड वाली पिन इसमें रहेगी, और दूसरी साइड टाइप ए कनेक्टर है, और एक यूज़र मैनुअल है, और ये इसका स्टैंड है, काफ़ी अलग सा है मटेरियल। और एक रिमोट आपको मिल जाएगा, रिमोट के अंदर बैटरीज इसमें नहीं दी है, अलग से लगानी पड़ेगी, ट्रिपल ए वाली छोटी बैटरीज इसमें लगेगी। और ये रहा अपना एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्टर, और साथ में यहाँ पर क्वालिटी चेक का मार्क भी आपको मिल जाता है। और इसको निकाल लेते हैं इस वाइट कलर की थैली में से, और ऊपर भी प्लास्टिक लगा है इसके मुँह पर। तो और पीछे की साइड में यहाँ पर इसका कंट्रोल यूनिट, जिसमें ऐसा लग रहा है कोई सेल वगैरह डालने होंगे, मगर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर पावर केबल हमें लगानी और ये काम करने लगेगा। और इसकी मुंडी देखिए 360 डिग्री ऐसे एकदम ऊपर नीचे कहीं पे भी आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक आपको मिलता है, देखिए कुछ इस तरह से ये निकल जाता है। और केबल जॉइंट है नीचे से ऊपर मुंडी के ऊपर, और इस केबल की मदद से इसको पावर मिलती रहती है और ये ऑन हो जाता है। और यहाँ पर इसके पैरों की बात करें तो नीचे जो स्टैंड मिलता है वो इतना टाइट नहीं है, और पता नहीं कैसा है। और यहाँ देखिए खड़ा तो ये अच्छे से, मगर काफ़ी लूज सा लगता है ये, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। और यहाँ पर ये एक बार खड़ा होने के बाद काफ़ी स्टेबल रहता है, और आप बिना स्टैंड के भी इसको खड़ा कर सकते हो, और हाथ भी ऊपर नीचे इसके होते हैं। और इसको हम लोग पावर बैंक की मदद से चला सकते हैं, और साथ में जो एडाप्टर होता है पुराना कोई भी मोबाइल फ़ोन का चार्जर वाला, उसकी मदद से भी ये यूज़ हो जाएगा। तो मैं तो अभी पावर बैंक से इसको ऑन करके आपको दिखाऊंगा, और इसके रिमोट का फंक्शंस आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन ऐसे मिलते हैं, थोड़े कन्फ्यूजिंग भी है, मगर यहाँ पर आपको सबसे ऊपर पावर ऑन का बटन मिलेगा, टाइमर का बटन मिलेगा, नेब्यूला का बटन मिलेगा, नेब्यूला की ब्राइटनेस और नेब्यूला की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो, नीचे जो है स्टार की ब्राइटनेस और स्टार की स्पीड चेंज कर सकते हो, और नेब्यूला को भी चेंज कर सकते हो, और स्टार को भी चेंज कर सकते हो। और ये सब क्या है अगर नहीं समझ आता है, तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा जिसकी मदद से काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये जो है देखिए इसकी मुंडी ऊपर नीचे कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर देखिए पावर ऑन मैंने इसको किया है, और कैसे मुंडी को मैं एडजस्ट करके इसको पंखे के बीच में ले आया हूँ, और काफ़ी कमाल लग रहा है ये नीचे से देखने में ही। और कैसे मैं बताऊं आपको वीडियो में कैसा दिख रहा होगा, मगर रियल आंखों से देखना काफ़ी अलग फ़र्क पड़ता है, और कैमरा में वैसे तो क्लियर ही दिखना चाहिए, मगर मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ इससे। और इस प्रोडक्ट की एक चीज़ और ख़ास बात है कि अगर आपको इसे एक प्रोजेक्टर की तरह यूज़ नहीं करना है, तो आप इसको एक शो पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये दिखने में काफ़ी क्यूट लगता है ये एस्ट्रोनॉट, छोटा सा बेबी एस्ट्रोनॉट, और कहीं पे भी आप रखते हो तो एक बार का कोई देखता है तो वो सोचता है ये क्या चीज़ है, और अगर आप इसको ऑन करके दिखाओगे तब तो वो एकदम ही पागल हो जाएंगे। और इसके अंदर जो टाइमर मिलता है रिमोट से, आप प्रेस करोगे टाइमर बटन को, और अगर ब्लू लाइट आती है तो यानी 45 मिनट के अंदर ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और रेड लाइट आती है तो यानी 90 मिनट के अंदर ये ऑफ हो जाएगा। तो रात को अगर आप ऑन करके सोते हो, बच्चे वगैरह सो रहे हैं, इसको देखते देखते नींद आ गई, तो टेंशन की बात नहीं है, ये अपने आप थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, तो पावर सेविंग है ये। और यहाँ पर देखिए क्यूट तो ये है, काफ़ी कैमरे जैसा लग रहा है, मगर इसको मैंने यहाँ प्लेस किया है, और अभी मैं दिखाता हूँ कि बिफ़ोर और आफ्टर कैसा इफेक्ट इसमें आता है, हॉल पहले कैसा लगता है और बाद में कैसा लगता है। तो अभी देखिए हॉल जो है मेरे घर का एकदम ही नॉर्मल सा लग रहा है, अंधेरे में कुछ यहाँ पर है नहीं खास, और अब आप देखना। और यहाँ पर रिमोट की मदद से मैं ये जो नेब्यूला आपको दिख रहा है घूम रहा है, इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए स्पीड मैंने बढ़ा दी है, घूम रहा है, और अभी मैं इसको ऑफ़ भी कर सकता हूँ घूमने को, अभी बंद हो जाएगा घूमता हुआ।
ये देखिए बंद हो गया, तो अभी ये घूम नहीं रहा है। और इसी तरह स्टार्स की भी मैं जो है आना जाना उसकी स्पीड बंद कम जो झपझप करते स्टार वो भी स्पीड में चेंज कर सकता हूँ। और एक बात जो है लेज़र जो है वाइड स्प्रेड है काफ़ी ज़्यादा, जो फैलाव है देखिए पूरा ऊपर नीचे सब जगह कवर किया है और काफ़ी बढ़िया लेज़र है इसमें। और यहाँ पर इसमें भी कलर्स आप चेंज कर सकते हो अलग अलग, ये देखिए कुछ इस तरह से। और एक मोड ऐसा भी आता है जिसमें ऑटोमेटिकली ये कलर चेंज करता है, काफ़ी बढ़िया लगता है वो मोड, तो ये वाला मोड आप देखिए। और इसमें जो है ब्राइटनेस के भी आपको अलग अलग लेवल्स मिल जाते हैं, 3 कम ज़्यादा और भी ज़्यादा, तो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे वैसे सब लोग चलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है ये। अभी कैमरा के अंदर जो है वीडियो में कैसा लग रहा है आई डोंट नो, बट रियल में आप देखो पूरा अंधेरा हो जाता है तब काफ़ी कमाल लगता है ये। तो जो कुछ भी इस एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्टर में आपको मिलने वाला है सब मैंने बता दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी सारे फेक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन इसके सेम जैसे ही, जो कि वही बात होगी चले तो चांद तक नहीं तो रात तक वाली बात, मगर जो क्वालिटी ट्रस्टेड जो सेलर्स है उनके लिंक्स आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आपको सही प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी को खरीदना है तो वहाँ से आप खरीद सकते हो, और गिफ्टिंग वगैरह के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है ये। और कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। मेरा नाम है तरुण, ये है गैजेट मसाला, जय श्री कृष्णा।